ई संजीवनी सरकार द्वारा चलाई गई टेलीमेडिसिन की एक सुविधा है। टेलीमेडिसिन मतलब फोन के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श लेना। ई संजीवनी को इस्तेमाल करने के लिए आपको ई संजीवनी ऐप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। ऐप डाउनलोड करने के बाद सामने दिखाए गए चित्र पर दबाएं। बटन दबाते ही ऐप खुल जाएगी और आपके सामने तीन विकल्प आएंगे। नए मरीज के पंजीकरण तथा टोकन लेने के लिए पहले बटन पर दबाएं। पंजीकरण और टोकन लेने के बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए दूसरे बटन पर दबाएं। मरीज की सभी जानकारी लेने के लिए तीसरे बटन पर दबाएं। सबसे पहले हम मरीज पंजीकरण और टोकन लेने का तरीका सीखेंगे। पहले बटन पर दबाने के बाद सबसे पहले राज्य का चयन करना होगा। चयन करने के लिए सामने दिखाए गए विकल्प को चुनें। आपके सामने एक लंबी सी लिस्ट खुलेगी। सबसे नीचे जाएं और उस लिस्ट में से अपने राज्य का चयन करें। यदि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो सबसे नीचे जाएं और यहां अपने राज्य उत्तराखंड का चयन करें। राज्य चयन करने के बाद आपके सामने दो विकल्प आएंगे। पहला जनरल ओपीडी और दूसरा स्पेशियलिटी ओपीडी। जनरल ओपीडी का मतलब होता है कि आपको सभी सामान्य बीमारियों के लिए डॉक्टर से परामर्श लेनी है। और दूसरा स्पेशियलिटी ओपीडी का मतलब होता है यदि किसी को कोई रोग, माने महिला से जुड़ा रोग हो, हड्डी का रोग हो, कुछ इस तरीके के डॉक्टर से हमें मिलना हो तो हम स्पेशियलिटी ओपीडी का चयन करेंगे। अब हम जनरल ओपीडी की प्रक्रिया को समझते हैं। जनरल ओपीडी का चयन करने के बाद एक विकल्प आएगा उत्तराखंड स्टेट ई संजीवनी ओपीडी, आप उसका चयन करें। उसके बाद मरीज के मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए इस बटन पर दबाएं। सामने दिखाए गए खाली स्थान पर आप मरीज का फ़ोन नंबर लिखें। उसके बाद नीचे दिए गए हरे रंग के डब्बे पर दबाएं। हरे बटन को दबाने के बाद मरीज के मोबाइल पर 6 अंकों का एक कोड आएगा। उस कोड को आप अगले पेज पर खाली स्थान पर लिखें। कोड लिखने के बाद नीचे दिए गए हरे डब्बे को दबाएं। अगर आपने सही कोड डाला है तो यह पेज खुलेगा। इस पेज पर मरीज की सही जानकारी को भरें। सबसे ऊपर उसका नाम, पहला नाम, फिर बीच का नाम और उसके बाद अंतिम नाम भरें। एक बात का याद रखना है कि पूरा नाम सबसे ऊपर नहीं लिखना है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी का नाम मोहन कुमार सिंह है तो सबसे ऊपर मोहन, उसके नीचे कुमार और उसके नीचे सिंह आएगा। यदि किसी का नाम असलम खान है तो सबसे ऊपर असलम, बीच की जगह आप खाली छोड़ेंगे और उसके नीचे खान लिखेंगे। यह जानकारी भरने के बाद आप उसके नीचे मरीज का फ़ोन नंबर लिखेंगे। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप मरीज का लिंग और उसकी उम्र भर देंगे। ये सब जानकारी भरने के बाद नीचे दिए गए हरे बटन पर दबाएंगे। ऐसा करने से आप अगले पेज पर पहुंचेंगे। अगले पेज पर आप मरीज का राज्य, उसका जिला, उसका शहर और वो कहाँ रहता है उसका पता लिखना ज़रूरी है। ये सब जानकारी भरने के बाद आप नीचे दिए गए हरे बटन पर दबाएंगे। ऐसा करने से आप टोकन लेने से एक कदम दूर हैं। इस बटन पर दबाने के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। वह मैसेज
कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस मैसेज में 6 अंकों का एक टोकन नंबर होगा, साथ में मरीज का आईडी नंबर जो 16 अंकों का होगा वह भी उस मैसेज में आपको मिलेगा। यह मैसेज आने से आपका मरीज का पंजीकरण पूरा हो गया है। अब हम सीखेंगे मरीज लॉगिन और डॉक्टर को दिखाने का तरीका। डॉक्टर को दिखाने के लिए आप अपने फ़ोन में ई संजीवनी ऐप को दोबारा खोलेंगे। दोबारा खोलने पर आपके सामने 3 विकल्प आएंगे जिसमें आपको दूसरा विकल्प चुनना है। दूसरा विकल्प चुनने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें सबसे ऊपर आप मरीज का फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। यदि फ़ोन नंबर नहीं डालना है तो आप मरीज की आईडी जो 16 अंकों का नंबर आपके फ़ोन में मैसेज में आया है वो डाल सकते हैं, और दूसरी लाइन में 6 अंकों का कोड आपको डालना होगा। ये जानकारी भरने के बाद आप नीचे दिए गए हरे रंग के बटन को दबाएं। लॉगिन करने के बाद आपको रोगियों की एक कतार में जोड़ दिया जाएगा। आपकी बारी आने का आपको इंतज़ार करना होगा। यह अंक जो सामने नज़र आ रहा है मरीजों की पंक्ति में आपकी संख्या को दर्शाता है। इस समय सामने नज़र आ रहा है कि आपका नंबर 9 है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद यह नंबर कम होता नज़र आएगा। अब सामने नज़र आ रहा है कि पंक्ति में अब संख्या 1 है, जिसका मतलब है कि डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए अब आपकी बारी है। आपकी बारी आते ही कॉल नाउ का बटन आपको हरे रंग में दिखेगा। वह बटन दबाना है आपको जिससे कि आप डॉक्टर से परामर्श ले सकें। यह फ़ोन मिलाने के लिए आपको 2 मिनट मिलेंगे। यदि आपने 2 मिनट में ये बटन नहीं दबाया तो आप मरीजों की कतार में फिर से जुड़ जाएंगे। एक बार जब डॉक्टर आपकी कॉल का जवाब दे देते हैं तो आप डॉक्टर का वीडियो देख पाएंगे और अपने मोबाइल फ़ोन से उनसे बात कर पाएंगे। डॉक्टर से बात करके अपनी बीमारी को बताइए और फिर पर्ची बनने का इंतज़ार करिए।